पहन कर जाता था, आज वो किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसा कोई आदमी नहीं किया है। बोलते हैं इनसे पूछिए, आज जो है गरीब को आवाज किसने दिया? आवाज देखा जो तुम नहीं है, वो तो बात नहीं है, वो तो बात जो है ढकोसला आप लोगों का, ढकोसला पर बात मत बोलो, आप लोगों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेगा। सबका अपना अपना मतदान है, जिसको जहां होना है वो देगा। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। फिलहाल अभी हम बड़ाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो कटिहार जिला में है, और हम अभी समैली में आए हुए हैं। और कहा भी जाता है कि मेन सेंटर अगर चुनावी समय आता है तो मेन सेंटर समैली भी हो जाता है बड़ाड़ी क्षेत्र में। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहते हैं कि ये लोग, इनके पास क्या मुद्दा है, इनका क्या प्रॉब्लम है, क्या इनके विधायक जो अभी वर्तमान में हैं, इनका उन्होंने दुख दूर किया कि नहीं किया। क्योंकि लोग अगर प्रतिनिधि को चुनते हैं विधानसभा के लिए तो अपने दुख को जाहिर करने के लिए, यानी कि सरकार तक बात पहुँचाने का माध्यम एक विधायक होता है, इसीलिए लोग अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। ये सारा चीज हम आपको इन लोगों से पूछ कर बताते हैं। फिलहाल एक कुछ डिटेल है, ये हम पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो नए जनरेशन के हैं उनको शायद नहीं मालूम है, तो हम अपने माध्यम से उनको बताना चाहेंगे कि 1957 से 1967 तक यहाँ का प्रतिनिधित्व वासुदेव प्रसाद सिंह ने किया था, और उसके बाद 1969 से 1972 के चुनाव में मोहम्मद शकूर बराड़ी का प्रतिनिधित्व किए थे विधानसभा में। उसके बाद फिर से 1977 में वासुदेव प्रसाद सिंह ने किया, 1980 में कर्मेश्वर सिंह ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, 1985 में मंसूर आलम, 1990 में प्रेमनाथ जायसवाल, 1995 में मंसूर आलम, फिर 2000 में पुनः मंसूर आलम इसका प्रतिनिधित्व किए, 2005 में विभाष चंद्र चौधरी, 2010 में विभाष चंद्र चौधरी, और लास्ट 2015 में आरजेडी के तरफ से आपको भली भांति मालूम ही है कि नीरज यादव प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिलहाल चलिए यहाँ के जो जनता है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में इनका क्या मुद्दा है, या किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये सारा चीज इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? कुचा दास। अच्छा, तो क्या है आपका, समैली का कोई ऐसा मुद्दा है जो कि अभी तक दूर नहीं हुआ हो, या सरकार समैली का मुद्दा जो है अभी तक दूर किया है तो विभाष चंद्र चौधरी। विभाष चंद्र, अच्छा, और हम लोग उसी के तरफ हैं। उनको तो टिकट नहीं मिला इस बार, जदयू में चला गया, कहीं भी चला गया, विभाष चंद्र चौधरी को वोट मिला। तू तो खड़ा होंगे तब ना? खड़ा है, कहाँ से खड़ा है? लोजपा से हो रहा है। अच्छा, ओ क्या बोल रहे हैं? आज तक जैसे हम लोगों के यहाँ नीरज यादव को हमने जिताया, हर चीज किया, आज तक हमारे समेली पंचायत में कभी नहीं आया लौट करके, क्या दिक्कत है? नहीं है। और आज जो समाधान करेंगे हम लोग, वो कभी हम लोगों को देखने के लिए नहीं चाहे। इसे करके हम लोग विभाष चौधरी को चाहते हैं, क्योंकि नहीं रहने के बाद वो आते हैं बराबर देखने के लिए, क्या दिक्कत है? नहीं है। बराबर गांव घूमते हैं, आप लोगों के पास क्या दिक्कत है? नहीं है। जो भी होता है अपना, वो अपना देख करके जाते हैं और काम भी करते हैं। विभाष चंद्र चौधरी जी, तो इस बार तो उनको टिकट नहीं मिल रहा, क्योंकि उनका पार्टी से लोजपा से लड़ रहे हैं क्या? जी। अच्छा, बीजेपी छोड़ दिए? कहाँ से लड़ रहा है, उसके लिए हम लोग खुश हैं। वो जो है हम लोग उसके लिए खुश, भाजपा के समर्थक है विभाष चंद्र चौधरी, टिकट मिला है। अच्छा। हम लोगों का मांग है रोड का पानी है? क्या रोड पे पानी जो लगता है, नाली बार बार साफ नहीं होता है, नाली का व्यवस्था सरकार सोचे, रोड का व्यवस्था। इस बार मुख्यमंत्री किसको? नीतीश कुमार। अच्छा चलिए, और नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये यहाँ कुछ लड़का है, इनसे बात करते हैं। इस बार किसको मुख्यमंत्री? अगली बार तो मुख्यमंत्री नया युवा बन रहे हैं, तेजस्वी यादव। अच्छा, तेजस्वी। और दूसरा बात है, मेरे इधर पश्चिमी बेल्ट में कभी विधायक इतना उम्र हो गया लमसम, मेरा उम्र अभी 40 के लमसम में है, 40 वर्ष के दरमियान में मैं पश्चिमी बेल्ट में कभी विधायक को नहीं देखा था।
सब दिन पूर्वी उधर पश्चिमी पूर्वी बेल्ट में ही बन रहा था। बड़ी सौभाग्य की बात है जो नीरज यादव इधर पश्चिमी में बना है और ये वर्तमान में रहेगा। शताब्दी की बात भी इसको कोई हराने वाले नहीं है बनारी विधानसभा में इस बार। काम तो उतना नीरज कुमार जो वर्तमान में विधायक हाँ नीरज यादव जी जो विधायक जो है काम उन्होंने किया, ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं किया, काम किया। अभी इस रोड का जो है शिलान्यास उसी ने किया है, लगभग 80 करोड़ का। कुछ नहीं कर लगे, कुछ नहीं कर लगे। अभी जो है ना मतलब काम उनका चल रहा है। और युवा जैसे देखिए खाली पेंशन से काम नहीं होता, युवा का नौकरी होना चाहिए। अभी 2 करोड़ युवा बोले थे मोदी जी जीते 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, तो क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अभी इस बार नीरज यादव जी हाँ नीरज कुमार जी हाँ हाँ जीतेंगे एकदम। काम किए हाँ काम किए हैं और जीतेगा। कहाँ जीता है, कहाँ जीता है, कैसे जीतेगा? काम नहीं किया। स्टाम में बच्चा जाने के लिए स्कूल रास्ता था, रोड में मेन रोड से चांदनी चौक से समझे, और पूछिए इसी को जूता पहन के जाता था। आज जो किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा कोई आदमी नहीं किया है। बोलते हैं इनसे पूछिए आज जो है गरीब को आवाज किसने दिया? आवाज देखा जो तुम नहीं है वो तो बात नहीं है। सबका अपना अपना मतदान है, जिसको जहाँ होना है वो देगा। ऐसा नहीं है जी नहीं देगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हम अपने ध्यान से अपने ख्याल से बोल रहे हैं। हम लोग को अभी 70 बरस उम्र हो गया, अभी तक इतना दिन में जितना सरकार बना है बार बार बोलता है वही बिहार वही बिहार। हमारे बिहार में क्या क्या कौन सी क्या है? रोजगार की कमी। अभी बताइए प्रवासी मजदूर जो है कभी दूर नहीं सुना, पंजाब में इतना दूर गया। पंजाब कौन दिया है? नीतीश जी है, हम लोग को जो इतना दिन से सुख शांति मिल रहा वही नीतीश कुमार लालू ने इतना बताया। मैं हम लोग चलते थे नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और घंटा पानी पानी जो है हटा देगा, रोड का पानी हटाइए। नीतीश कुमार जी अच्छा वर्तमान विधायक से नाराज है क्या? नहीं नाराज नहीं है, नाराज नहीं है। अच्छा वो भी बगल के है, जाना पहचाना है, बढ़िया आदमी है, गलत आदमी नहीं है। पानी का व्यवस्था लेकिन नीतीश से आप प्रभावित हैं? हाँ हाँ उसका सरकार में जो भी काम हाँ जो भी हुआ है अच्छा ही लगता है। और देखिए कष्ट तो बहुत प्रकार का है। बोलने दीजिए बोलने दीजिए। सबका कष्ट पीड़ा दूर नहीं कर सकता पानी का मुद्दा, जो भी आप भी सरकार बैठिएगा घर घर पीड़ा दूर नहीं कर सकेगा। स्कीम दे दिया, अब उसमें बिचौलिया है, बिचौलिया पर ध्यान नहीं दे सकता। इस बार नीतीश कुमार हाँ क्या बोलते हैं इस बार काहे नीतीश कुमार? काम किया है नीतीश ने, काम नीतीश कुमार पुराना तजुर्बाबाज है, पहले जो तजुर्बाबाज जनता को देखता था कि की दिक्कत है, इसीलिए वो नीतीश को सभी नीतीश अच्छा। तो इस बार बताइए कि सरकार के कामों से खुश हैं? बिल्कुल, विधायक जी के काम से, विधायक जी के काम से भी खुश है और वर्तमान सरकार के काम से भी खुश है। अच्छा तो इस बार विधायक किसको बनाएंगे? विधायक एनडीए का ही होगा। एनडीए कौन है अभी फिलहाल खड़ा कौन होगा? विजय कुमार। विजय कुमार विजय कुमार हाँ मेयर साहब। अच्छा अच्छा तो ये बताइए कि क्या काम से खुश हैं आप, क्या उन्होंने ऐसा किया है सरकार के द्वारा जो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं? सबसे बड़ी बात तो सर शिक्षा का बात की, तो बच्चों का जो फीस लगता था वो माफ हुआ, बच्चों का मध्याह्न भोजन जो है वो मिला। मध्याह्न भोजन में भी घोटाला हुआ तो बच्चे के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको शराबबंदी हुआ, शराबबंदी से भी आप लेकिन लोग तो कह रहा है कि शराबबंदी होने के बाद तो और चरगुन्ना बढ़ गया। बढ़ तो सर गया है, ये बात सही है, बात सही है जरूर है, लेकिन जो आम आदमी दारू पी करके किसी का ऐसे माँ बहन बेटी करते निकल जाता था
उसमें रुकावट तो सर चोरी छुपे कुछ कर रहे लेकिन उसमें रुकावट चोरी छुपे हो रहा इस बार नीतीश कुमार और है इस बार किसको नीतीश कुमार का ही और विधायक विधायक तो फिर भूतपुर आएगा भूतपुर विभाग आप बताइए भैया नीतीश जी के समर्थन में हम लोग नीतीश जी जी और विधायक जी नीरज यादव जी जिधर हम मेरा सरकार जिधर रहेगा हम उधर चलेंगे अच्छा आपका सरकार जिधर रहेगा हम तो नीतीश जी को देख के वोट करेंगे सब तरह का आदमी आप बताइए हाँ सर क्या मुद्दा है आपका यहाँ का जो आज तक सरकार तक नहीं पहुँच पाया यहाँ तक सरकार तक नहीं पहुँच पाई जैसे तो जोर से बोलिएगा जो यहाँ नाली की प्रॉब्लम है वो नाली तो बन चुका है और उनका व्यवस्था नहीं है कांग्रेस सरकार जो नाली यहाँ पे बना हुआ है उनका व्यवस्था नहीं है ना निकासी हुई है नाला जो बना जो फंड हुई जहाँ तक बस वही तक रह गया अपना अपना पूरी अपना अपना झोला भर लिया और नाला जाए पब्लिक जाए बाहर में ये स्थिति हो गई है इनका स्थिति देखा जाए नाला तो बना नाला का निकासी हुआ है नाला में पानी पास हो रही है कुछ नहीं कोई मुद्दा नहीं है रोड बना रोड टूट गया बड़ी मुद्दा यही है पानी का जो व्यवस्था दिया सरकार ने नीतीश सरकार दिया पानी की व्यवस्था के लिए फिल्टर वाटर घर घर के लिए आप ये बताइए किसके घर में पानी आ रहा है और कौन पी रहा है कैसा पानी है पानी का कौन विधायक विधायक तो हमारे अच्छे हैं अभी भी काम कर रहे ऐसी बात नहीं है पहली वर्तमान विधायक मेरा जो बीजेपी के थे विभास चंद्र चौधरी वो भी बहुत अच्छे काम किए हुए हैं यहाँ पे तो इस बार नीरज यादव है हाँ नीरज यादव तो एक्चुअली है ही पहले अभी भी है और देखिए अब वर्तमान किसका होता है जिसकी होगी उसकी हम लोग समर्थन होंगे तुम तो नया लड़का है बताओ सरकार के काम से खुश हो आप जी सर हाँ। तो इस बार विधायक किसको बनाना है जो हमारे वर्तमान विधायक हैं नीरज कुमार यादव वही कस के बोलिए जोर से बोलिए जो हमारे वर्तमान विधायक हैं नीरज कुमार यादव वही होंगे आप बताइए हम लोगों को समर्थन नहीं है मुस्कुरा रहे हैं टीका उका लगा लिया अच्छा बोलिए बोलिए कौन विधायक बनेंगे जो बनेंगे नीरज यादव हो गया यही तो पूछ रहे हैं इसमें उजराना पड़ गया अरे बोल दीजिए अरे शर्माइए मत बोलिए कस के बोलिए ना नीरज यादव बोलेंगे फिर से नीरज यादव जी बनाएंगे अच्छा आप बताइए जी कौन बनेंगे विधायक दोबारा इस बार यह कहा नहीं जा सकता है लेकिन लोगों का रुझान है कि नीतीश कुमार को लाए क्योंकि नीतीश कुमार भी जो है अच्छे उम्मीदवार यहाँ नहीं दिए क्योंकि यह भाजपा का सीट है और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जहाँ से कहीं भी ले भाजपा का सीट ले ले और मोदी जी के नाम पर हम जीत जाए ऐसा संभव नहीं चूँकि उन्होंने जो भी उम्मीदवार है वे काम को देखते हैं यहाँ के लोग जो है ना यहाँ के काम को देखेंगे और जो भाजपा के उम्मीदवार थे चौधरी जी वे हमारे गाँव बराबर आते जाते हैं महीने में एक दफ़े दो दफ़े तीन दफ़े साल में भी कितने दफे आए होंगे उनका नज़र जो इस समेली गांव पर है क्योंकि यह समेली बस्ती जो है ना विधानसभा का एक जो है मेन सिरा है ना इसमें सबकी नज़र यहाँ पर सब विधायक लोग आते हैं लेकिन सवाल यह है कि आज जो भाजपा की सीट पर हमारे मेयर साहब जो विजय मेयर खड़े हुए हैं और उनका आदमी तो कोई नाम जानते हैं नए उम्मीदवार हैं और कल भी आए थे बिला दूजा की कॉल आई थी है ना मैंने कहा कि आप तो नए खड़े हुए हैं लेकिन आपका चेहरा तो नया है इस बार किसको चुनिएगा इस दफे बोल दीजिए इस दफे तो देखिए ऐसे बोल दीजिए अरे अरे कम से कम तेजस्वी की नीतीश ये तो बोल सकते हैं देखिए अगर विभास चौधरी यहाँ से खड़े हो जाते हैं तो सारा वोट उनको दिया जाएगा समझे ना अच्छा। ऐसे नहीं कोई मिलेगा तब तो ऐसी स्थिति में नीतीश को ही दिया जाएगा अच्छा। मोदी जी के नाम पर और क्या तो मंडल जी बताइए इस बार किसको विधायक बनाइए अब की बार यहाँ तो बीजेपी को नहीं मिला टिकट बोलो भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा निचोड़ बात मुख्यमंत्री नीतीश को बनाना हाँ बात हो गई यही तो पूछ रहे हैं सर यही तो पूछ ये बताइए विधायक किसको बनाइए विधायक हम लोगों का नीतीश कुमार होना चाहिए विधायक वो तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हम लोग यहाँ से विधायक जैसे है
विभाषण चौधरी, विभाषण चौधरी हम लोगों को लिए बढ़िया है। चलिए ठीक।